हेलो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ कोविशील्ड का पहला डोज मारने के लिए CHC मियाओ में। आप पीछे देख सकते हैं, पिछले 3 दिन से बहुत ही यहाँ पे बरसात हो रही है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। और जिस दिन बरसात नहीं हो रही है उस दिन मतलब लॉकडाउन हो जा रहा है, तो इसी कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। तो इसके लिए आप सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। तो आज मैं जाऊँगा वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीन का पहला डोज लेने के लिए कोविशील्ड का। ये नंबर लगाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा था। तो मैं दिखाऊंगा, आप सबसे शेयर करूंगा कि कैसा फील आता है वैक्सीन लेने से, सर से कराता है या कुछ अगर होता है तो मैं आप सभी को शेयर करूंगा। तो कोविशील्ड का पहला डोज मैं लेने जा रहा हूं आज। मेरी मम्मी, मेरी दीदी सबका नंबर है, तो मेरा फ्रेंड वहाँ पर वेट कर रहा है। तो मैं आप सबको इसी तरह, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप सबको दिखाऊँगा कि कैसे लिया जाता है और क्या क्या लेके जाना होगा और वहाँ पर कैसा लगता है वैक्सीन मारने के बाद, क्या क्या करना पड़ता है और कैसा कैसा फील आता है, मैं आप सभी से शेयर करूंगा। तो इसी तरह मेरे वीडियो पे बने रहिए। गाइस, बरसात हो रही है इसीलिए मैं बाइक नहीं लिया हूँ आज। अब मैं शॉर्टकट रास्ता आया हूँ। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इधर ठंडा भी बहुत ही अचानक से बढ़ गया, तो इसीलिए मैं नहीं ले पाया हूँ बाइक। ऐसे वैसे भी बहुत ही पास है मेडिकल, CHC मियाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे अरुणाचल में यही अचानक ज़्यादा अगर गर्म हो 2-3 दिन तो बारिश हो जाती है, तो इससे मतलब एक अच्छा भी है, मतलब ऑटम सीजन एक मेंटेन होकर रहता है, ठंडा गर्म, तो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। यही है नॉर्थ ईस्ट का ब्यूटी, यहाँ का मौसम की वजह से बहुत ही ज़्यादा माना जाता है नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्टेबल एक रहता है। अगर ज़्यादा गर्मी हो गई है तो बरसात हो जाती है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, मैं आप सभी को कोविड वार्ड मिलेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ब्लॉग जब स्टार्ट हुआ था उसी समय में आपको कहा था कि 3 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो उसी के कारण यहाँ पे रात में बहुत ही ज़ोरदार तूफान आया था, तो उसी तूफान में इस पेड़ यहाँ पे CHC मियाओ में पेड़ गिर गया। आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं यहीं पर डॉक्टर, नर्सेस और यहाँ पर सिविल ट्रीटमेंट होता है ये इस बिल्डिंग में, ये बड़ा सा जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग के जस्ट राइट साइड में लैब और सोनोग्राफी ये सब का रूम है। तो इसी रूम का जो बरांडा है, बरांडे में ही वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। यहाँ पे यहीं पे वैक्सीनेट करते हैं सब लोग, यहीं पे आके वैक्सीन मारते हैं, लगाते हैं, अपना टीकाकरण करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड लाना होगा, आधार कार्ड या फिर कोई भी ID प्रूफ जिससे आप रजिस्टर किए हैं अपने आप को ऑनलाइन के थ्रू, उसको आपको यहाँ पे लेके आना होगा। तो उसको आपको दिखाना होगा और जो एक PDF आप लोगों को अपॉइंटमेंट का होगा, उस अपॉइंटमेंट का PDF में एक कोड होगा, उस कोड को आपको बताना होगा इधर और दिखाना भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि
आईडी प्रूफ के साथ वो पीडीएफ भी अपना मोबाइल में लेके आए या फिर मैसेज अपना लेके आए, तो इससे आपका हेल्प होगा वैक्सीनेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल ले रहा हूँ मेडिकल स्टाफ के थ्रू। तो मुझे इस अप्रूवल में कुछ इस प्रकार के आपका स्क्रीन में जो फ्लैश हो रहा है उस वो पीडीएफ में यहाँ पे दिखाया था और आईडी प्रूफ अपना दिखाया था कि मैं ही हूँ प्रकाश गिरी। तो यहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद मैं वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे बैठ रहा हूँ। तो बहुत ही इतना घबराइएगा मत आप लोग, जब आएंगे अपना आईडी प्रूफ और पीडीएफ लेके आइएगा। वैक्सीन मारने के बाद आधा घंटा के लिए साइड वाले रूम में वेट करने देते हैं, रिलैक्स करने देते हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ हुआ तो ऑब्ज़र्व करते हैं तो हॉस्पिटल में आप लोग आपको ट्रीटमेंट भी कर दिया जाएगा अगर इन केस अगर कुछ हुआ। ऐसे तो कुछ नहीं होता है, ऐसे ही रिलैक्स के लिए मतलब चलेंगे तो शायद चक्कर उक्कर, कोई इंजेक्शन ऐसा होता है कि चक्कर उक्कर भी आ जाता है, तो आपको उसके लिए ऑब्ज़र्व करते हैं आधा घंटा तक। जितने भी पेशेंट आते हैं उनको आधा घंटे के लिए वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए रख देते हैं। तो हम लोग भी रिलैक्स किए थे, ज़्यादा पेन नहीं होता है, कुछ दर्द नहीं होता है इसमें। जैसे टीटी इंजेक्शन ठंडा में बर्फ़ में रखते हैं तो टीटी इंजेक्शन मारने के बाद हाथ में पेन होता है क्योंकि ठंडा में रखते हैं मेडिसिन को, इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन मार लिए हैं। इंजेक्शन मारने के बाद मैं ये साइड में जो अंदर में ही एक रूम है, कमरा है, उस कमरे में मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा फ्रेंड कपिल भी लगा चुका है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहिए और भी कुछ आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब वैक्सीन लेने के बाद हाफ एन आवर यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जाता है मेडिकल स्टाफ की तरफ से कि अगर कुछ हुआ तो यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया जाता है, इसीलिए। तो मैं अपना फ्रेंड से पूछूँगा उसको कैसा फील हो रहा है, ये हम मेरे से मतलब पहले ही वैक्सीनेट हो गया था। तो दीपू कैसा लग रहा है? मेरा फास्ट डोज यही है, मेरा हाथ बहुत पेन हो रहा है और माथा भी चक्कर लग रहा है। और इधर मेरा ये भी है, हम लोग एक ही साथ स्कूल में पढ़े थे, कपिल नाम है इनका। तो कपिल कैसा लग रहा है? अभी तक तो कुछ फील हो नहीं रहा है, ज़्यादा फील नहीं हो रहा है ना। मेरा भी इतना कुछ नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा वीक टाइप का लग रहा था, फिलहाल ठीक है। इसका हाथ पेन हो रहा था दीपू का, कपिल का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो देखते हैं अभी और क्या क्या होता है, आप सभी से मैं शेयर करूँगा अपना मतलब वैक्सीन के बाद क्या क्या होता है अगर कुछ हुआ तो। इसी तरह वीडियो पे बने रहिए। गाइस आप लोग ज़रूर आइएगा वैक्सीनेट मारने के लिए। सब फेक बात है कि सब लोग बोलते हैं कि ज़ोंबी बन जाता है या आदमी मर जाता है वैक्सीन मारने से, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मेरे पापा भी मारे हैं, मेरे फैमिली में सब लोग मारे हैं, मैं भी मारा हूँ, मेरा फ्रेंड्स लोग भी मारे हैं। तो आप लोग ज़रूर आइए वैक्सीनेट, अपने आप को कीजिए, फ्रंटलाइन वॉरियर को हेल्प कीजिए कोरोना वायरस से जीतने के लिए, ज़रूर वैक्सीन। गाइस फाइनली मैं घर में पहुंच गया हूं वैक्सीन लेके। तो वैक्सीन लेने से आप लोग टैबाकू आइटम मत खाइएगा, टैबाकू चीज़, अल्कोहल, ये सब मत खाइएगा, खट्टा बिल्कुल भी मत खाइएगा करीब करीब एक महीना या 14 डेज तक। और मेडिकल स्टाफ की तरफ से जो जो मना करता है वो सब आप लोग मत खाइएगा। वैसा तो कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है, जब बस थोड़ा सा कमज़ोरी टाइप फील आ रहा है, वो थोड़ा देर के लिए रहता है। और हाथ जिस हाथ में मेरा लेफ्ट हैंड में मारा था, तो लेफ्ट हैंड में जहाँ पे मारा वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है क्योंकि आइस में रख के वैक्सीन को लाया जाता है, इसलिए आइस की वजह से शायद पेन हो रहा है। और ऐसा कोई इशू नहीं है, आप लोग प्लीज़ मारिएगा नंबर लगा के, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसा होता है करके अपॉइंटमेंट लेके आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन ही एक लास्ट उपाय है कोरोना वायरस को हराने के लिए, इसीलिए वैक्सीनेट ज़रूर होइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।